दिलों को इश्क मोहम्मद से आशना रखना। दिलों को इश्क मोहम्मद से आशना रखना, दिलों को इश्क मोहम्मद से आशना रखना, दिलों को इश्क मोहम्मद से आशना रखना, फिर इसके बाद ही बख्शिश का आसरा रखना, फिर उसके बाद ही बख्शिश का आसरा रखना, फिर उसके बाद ही बख्शिश का आसरा रखना। शेर सुनाते हैं, शेर की हिफाजत करें, ये शायरी है। बड़ी मुश्किल से खून जिगर पिलाने के बाद तब एक शेर होता है, आप यूं ही मिटा लीजिएगा। आप सुभान अल्लाह से दाद दीजिए, पैसे अपनी जेब में रखे रहिएगा, जहाँ कहेंगे सभी इस हबू पीछे के लोग नहीं समझते क्या होता, तो सर हिलाते हो ना हाथ हिलाते हो ना जबान हिलाते हो, अगर यही हाल रहा तो उम्र भर खामोश रहोगे। जहाँ कहेंगे सभी इस हबू एलागैरी, जहाँ कहेंगे सभी इस हबू एलागैरी, जहाँ कहेंगे सभी इस हबू एलागैरी, वहाँ हुजूर बचाएंगे हौसला रखना, वहाँ हुजूर बचाएंगे रथों से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत ओर से लियाकती, सरकार वास्ते फट्टी। आपकी खामोशी तोड़ दो, मेरा चैलेंज है, कोई माइक लाल अगर खामोश रहेगा तो मैं बिहार आना बंद कर दूंगा, वास्ते फट्टी तो अलग की बात है। मैं आपसे शेर पढ़ने जा रहा हूँ, आपकी आवाज पटना विधानसभा होती हुई दिल्ली पार्लियामेंट की दीवार से टकरा जाए तो मैं समझूंगा वास्ते पट्टी का मशमा है ये, वरना मैं समझूंगा खामोश तबीयत के बेजान लोग बैठे शेर सुनेंगे तो गौर से सुनना वाला शेर बाईपास निकल जाएगा। वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना, हुकूमत हिंदुस्तान को चैलेंज कर दो, किस लिए बैठे हो, एक अल्लाह के वली के उर्स में हाजिर होने वालों, आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, अगर मीडिया के लोग हो तो मेरे शेर को कल नहीं तो परसों के अखबार में जरूर शायद कर देंगे, राही बस्ती बोल रहा है। वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना, वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना, तुम अपने पास अदालत का फैसला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हाय हाय जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ऐसा बेटा आपने तो शेर सुन लिया, मगर ये शेर निकल गया बाईपास, ऐसे ही बाईपास निकलता है, आपकी आवाज आपके घर में रह जाती है, दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती, कहां तक कोई चीखेगा तन्हा। वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना, वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना, तुम
اپنے پاس عدالت کا فیصلہ رکھنا تم اپنے پاس عدالت کا فیصلہ رکھنا ایک شعر اور حوالے اور زبان کا لطف لیجیے. اگر آپ کو احساس ہے کہ لکھنؤ کی چاشنی وہاں کی مٹھاس مل رہی ہے تو راہی مستری کو دعاؤں سے نواز. سکون چاہو سکون چاہو تو ہر پل درود پڑھتے رہو. درود پڑھتے رہو سکون چاہو تو ہر پل درود پڑھتے رہو. اسی کو کہتے ہیں ہر درد کی دوا رکھونا اسی کو کہتے ہیں ہر درد کی دوا رکھونا اسی کو کہتے ہیں ہر درد کی دوا رکھونا. ایک شعر اور حوالے کرتا ہوں سماعت فرمائیں. اور جتنے بھی نعت گو نعت خواں بیٹھے ہیں ڈائس پر سب کی جانب سے شعر پہنچا رہا ہوں. یہ نعت گوئی ہی کافی ہے مغفرت کے لیے. یہ نعت گوئی ہی کافی ہے مغفرت کے لیے یہ نعت گوئی ہی کافی ہے مغفرت کے لیے اب اس کے بعد بھلا اپنے پاس کیا رکھونا اب اس کے بعد بھلا اپنے پاس کیا رکھونا. جی لگا کے بات.